सीतापुर जनपद के थाना रेवसा क्षेत्र के स्थित बने चहलारी घाट पुल पर बीती देर रात सड़क हादसा हो गया, जिसमें दो ट्रकों की आमने सामने भयंकर भिड़ंत हो गई और मौके पर दो लोगों की मौत भी हो गई। क्या है पूरा मामला, इसके लिए सीधे चलते हैं अपने आई इंडिया के रेवसा संवाददाता अमरीश मिश्रा के पास। अमरीश जी बताइए, ये जो देर रात हादसा हुआ है, क्या है पूरा मामला? सीतापुर बहराइच मार्ग पर बने चहलारी घाट पुल पर ये बीती मंगलवार की रात लगभग 3 बजे दो ट्रक आमने सामने से भिड़ गए। एक ट्रक जो मुरादाबाद से ऊनी कपड़े लेकर बहराइच जा रहा था, वह बहराइच की तरफ से आ रहे अनाज लादकर एक ट्रक से आमने सामने से भिड़ गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कपड़ा ले जाने वाले ट्रक के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए। उसमें जो मुरादाबाद से कपड़े लेकर ट्रक आ रहा था, उसका जो चालक था अनवर पुत्र हसनैन उम्र 28 वर्ष, परिचालक मोहम्मद ताहिर उम्र 20 वर्ष, पुत्र भूरा निवासी दातीपुर तहसील बिल्लारी थाना कंदरकी जिला मुरादाबाद की, उसी ट्रक में फंसकर दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद वहां पर रात में इतना लंबा ट्रैफिक जाम लग गया जो लगभग 20 किलोमीटर रेवसा से भी आगे बिसुआ तक एक लंबा जाम लग गया दोनों तरफ, जिसे अगले दिन यानी कि आज बुधवार की सुबह 10 बजे तक पुलिस ने कड़ी मशक्कत कर हटाया। जी, एक बड़ी दुर्घटना रेवसा सीतापुर मार्ग पर चहलारी घाट पुल पर हुई है, जिसमें एक ट्रक के चालक और परिचालक की मौके पर मौत हुई है। दूसरे ट्रक का चालक जो घायल है, जिसका नाम मजीद है और उसमें सवार असीम हुआ, एक व्यक्ति घायल भी हुआ है, 3 लोग घायल हुए जिनको अस्पताल ले जाया गया। क्योंकि ये घटना पुल के उस हिस्से की है जो बहराइच जिले में पड़ता है, थाना हरदी क्षेत्र पड़ता है, वहाँ मौके पर पहुंची थाना हरदी की पुलिस द्वारा घायलों को पास के रामपुरवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया और 100 जो मृतक थे उनके 100 को बहराइच को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अमरीश जी, ये बताइए, जो जाम लगा रहा, आपने बताया कि 20 किलोमीटर ये लंबा जाम था, तो दोनों तरफ लगा था? जी, जैसा कि ये रेवसा से बिसुआ की तरफ, ये सीतापुर की तरफ जाम लगा हुआ था और बहराइच की तरफ भी था। यहाँ तक कि जो दूसरे रास्ते हैं, जो थानगांव महमूदाबाद होके भी सीतापुर लखनऊ जाते हैं, उन पे भी जाम की स्थिति यह थी कि आज बुधवार सुबह 10 बजे तक पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है, तब जाके वाहनों का आवागमन शुरू हुआ है। उधर पुलिस उन शवों को निकालने का प्रयास कर रही थी, जो जेसीबी से ट्रकों को हटाने का प्रयास कर रही थी, इधर पुलिस रास्ता निकालने की कोशिश कर रही थी। पूरा टाइम ये कल रात से आज दोपहर आज सुबह 10 बजे तक पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। सीतापुर व बहराइच दोनों तरफ की पुलिस ने वहां के 100 को हटवाया और रास्ते के जाम को हटवाया, इसके बाद जाके स्थिति सामान्य हो पाई है। अमरीश जी, एक चीज और जानना चाहेंगे, जो घायल थे 3 लोग, क्या उनकी स्थिति अब कैसी है, कैसे उनके हालात हैं, सब ठीक हैं? जी, जैसा कि उनका प्राथमिक उपचार रात में ही बहराइच के रामपुरवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया, जिसके बाद हालत सामान्य होने पर उनको भी बहराइच ले जाया गया, जहां पर उनको भर्ती कराया गया है। जिला अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है, उनकी हालत खतरे के बाहर है। बस वही जो कपड़ा लादकर जिस ट्रक में के परखच्चे उड़ गए, उसका चालक और परिचालक की उसी में दबकर दर्दनाक मौत हुई, जो आज बुधवार सुबह जब दोनों ट्रकों को जेसीबी से हटवाया गया है, उसके बाद उनके शव को निकाला जा सका। जी बिल्कुल, आइए पहले इस मामले में जो है जनपद बहराइच के अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण की बाइट सुनाते हैं, डॉक्टर पवित्र मोहन त्रिपाठी का क्या कहना है। थाना हरदी जनपद बहराइच के चलारी घाट में दो ट्रकों में एक्सीडेंट रात्रि 3 बजे दिनांक 22/11/2023 को हुआ था। ये एक ट्रक मुरादाबाद से ऊनी कपड़ा लेकर के बहराइच की ओर आ रहा था, इसमें दो व्यक्ति जिसमें अनवर और ताहिर, इनकी मौके पर मृत्यु हो गई है, इनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। दूसरे ट्रक चालक जो मजीद है वो घायल है, उसको उपचार के लिए भेजा गया है, विधिक कार्रवाई की जा रही है, यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। जी, आपने सुना कि अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉक्टर पवित्र मोहन त्रिपाठी ने क्या जानकारी दी। आपको बता दें कि जो है ये सीतापुर जनपद के स्थित बने चहलारी घाट जो पुल बना है, वहां पर बीती देर रात दो ट्रकों में आमने सामने भिड़ंत हो गई और भिड़ंत इतनी तेज थी कि एक ट्रक का चालक और उसका परिचालक दोनों की दर्दनाक उसी में दबकर मौत हो गई, जबकि दूसरे ट्रक में जो है 3 लोग सवार थे, उनको जो है गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जो है CHC भेजा गया और वहां से उन्हें बहराइच जनपद भेज दिया। क्योंकि जो सीमा
सूचना लगती है उस पुल के उस पार की, तो वो बहराइच जनपद में आता है, इसलिए वहां पर जो है बहराइच भेजा गया। फिलहाल आपको बता दें कि सीतापुर जो ये चेलारी घाट पुल बना है सीतापुर जनपद में, इस पुल पर जो है करीब 20 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा रहा, जिसे आज सुबह 10 बजे तक जाम खाली कराया गया। सीतापुर पुलिस और बहराइच पुलिस दोनों को मिलकर जो ट्रक है उसको हटाया गया और उसके बाद इस जाम को खाली कराया गया। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए अमरीश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।